हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 को अच्छे तरीके से हल कर लिए थे। आज की प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 3.2 के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, तो आप लोग भी अपने दोस्तों को इस चैनल को के बारे में बताएं और इस क्लास के सेशन को शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़ पाएँ, उनका भी पढ़ाई हो जाए इस चैनल के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को टाइम का नुकसान न करते हुए, आप लोगों का टाइम न लेते हुए, आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन बेहतरीन होने वाली है। प्रश्नावली 3.2 को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले हैं हम लोग। उस प्रश्नावली 3.2 को समाप्त करने से पहले डियर स्टूडेंट, कुछ चार्ट बनाए जाते हैं, कुछ चार्ट आपके लिए तैयार किया गया है। उस चार्ट के बारे में आप लोग जान सकते हैं कि जैसा कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ आपको जैसे कोई समीकरण दे दिया जाता है, एक्स प्लस टू वाई और प्लस थ्री या माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जैसे यहाँ 4x हो गए। अब हम आपसे कह रहे हैं कि डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, यहाँ आपको ए बी सी का मान पता होना चाहिए। तो दी गई समीकरण को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से जब तुलना कर दोगे, क्या कर दोगे प्यारे बच्चों, तुलना करोगे, तो देखो इस a के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों, 4 है ना, ए का मान 4 मिल जाएगा। इस बी के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों, 2, तो बी के स्थान पे क्या मिल जाएगा, 2। और इस सी के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या है, -3 है। तो ये क्या हो जाते हैं, ए का मान, बी का मान, सी का मान, इस तरह से निकाला जाता है प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आइए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो a1 का मान इस समीकरण से आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक आ जाएगा, और a2 का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए प्यारे बच्चों, -2 है, -2 लिख देंगे, बटे क्या है, 4 है, इसको कैंसिल करोगे प्यारे बच्चों, तो -1 आ जाएगा, क्या आएगा, -1, और इसे कैंसिल करोगे 2 आ जाएंगे। तो यहाँ -1/2 आ गए। C1 यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, C1 यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, और C2 क्या है, -20 है, ये भी पूरा क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो अनुपातों की तुलना करते हैं, तो देखिए यहाँ जो a1/a2 है, यहाँ a1/a2 कितना है प्यारे बच्चों, a1/a2 1/3 है, और b1/b2 क्या है प्यारे बच्चों, -1/2 है। क्या ये संख्या आपस में बराबर है प्यारे बच्चों, नहीं बराबर है। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ये अनुपातों की तुलना करने से पता चला कि जो इनके अनुपात हैं आपस में वो बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल b1/ क्या हो जाएगा, b2। तो प्यारे बच्चों, दिए गए समीकरण का, दिए गए रेखा युग्म का अगर अनुपात आपस में बराबर नहीं रहते हैं, डियर स्टूडेंट क्या हमने बोला, फिर से आप सुनते हैं, फिर से सुन लीजिएगा कि यदि दिए गए रेखा युग्म का, दिए गए समीकरण का अनुपात आपस में बराबर नहीं रहता, a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर नहीं होते, तो डियर स्टूडेंट उसका जो ग्राफ होता है, उन समीकरणों का जो ग्राफ होता है, वो प्रतिच्छेदी रेखाएँ प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएँ, यानी ये दोनों रेखाएँ ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं ऐसे एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक दूसरे को काटेंगी प्यारे बच्चों। तो प्रतिच्छेदी का मतलब समझ में आया, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी एक बिंदु पे काटती होंगी, वो क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो हमको ये बात फिर से क्लियर हो जानी चाहिए, ये बात आपको आ जानी चाहिए कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगा, तो वो रेखाएं, उनकी ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो इनका बीजगणितीय हल होता है, जो बीजगणितीय हल होता है, वो केवल एक हल होगा। ये रेखाएं जहां एक दूसरे को काटेंगी, वही दिए गए समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग दूसरे पे चलते हैं, यहां पर देखते हैं। तो यहां से प्यारे बच्चों देखिए, a1 का मान कितना है, 2 है, a2 का मान कितना है, 4 है, 2/4, इसको कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा, इसे कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएंगे प्यारे बच्चों।
उसके बाद देखिए B1 का मान यहाँ कितना है, 3 है। B2 का मान कितना है, 6 है। 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = कितने हो गए, 6। यानी यहाँ क्या बच गए प्यारे बच्चों, 1/2 हो गए। ध्यान से समझिए, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ C1 का मान कितना है, देखिएगा C1 का मान -9 है, यहाँ C2 कितना है -18 है। ये इनसे कैंसिल हो गए, 9 × 9, 9 × 2 = कितने हो गए, 18 × 1 = 2 आ गए। तो आप वहाँ से देखिए क्या आपको ये स्थिति दिखाई पड़ रही है, A1/A2 बराबर भी 1/2 है, B1/B2 बराबर भी 1/2 है, C1/C2 बराबर भी 1/2 है। तो देखिए तीनों के मान बराबर हैं, अर्थात तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा, C1/C2। तो हमको ये बात पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि अगर दिया गया समीकरण का अनुपात आपस में बराबर होता है, दिए गए समीकरण का अनुपात आपस में बराबर हो, तो उन रेखाओं का जो ग्राफ होता है वो संपाती रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। तो संपाती रेखाएं क्या होती हैं डियर स्टूडेंट, ऐसे जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, कोई एक पॉइंट ये हो गया, तो ये एक रेखा हो गई और इसी पे कोई दूसरी रेखा प्राप्त हो जाए, यानी एक रेखा पे दूसरी खींची गई रेखा, किसी एक रेखा पे दूसरी खींची गई रेखा ही क्या कहलाती है, संपाती रेखाएं कहलाते हैं। जैसे एक उंगली के ऊपर अगर आप दूसरी उंगली भी इस पे खींच दो तो ये क्या कहलाएंगे, संपाती रेखाएं कहलाती है। और इसका जो हल होता है वो क्या होता है, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अनेक हल होते हैं। तो इस प्रकार का जो बीजगणितीय हल होगा क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएंगे। आइए प्यारे बच्चों अगले प्रकार के रेखा युग्म को देखते हैं। यहां देखिए प्यारे बच्चों क्या है, एक है, तो A1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A2 का मान क्या हो जाएगा, 2, तो 1/2 आ गए। B1 कितना है डियर स्टूडेंट, 2 है, और B2 कितना है, 4 है। तो इसको कैंसिल करते हो तो 1/2 आ गए। C1 कितना है, -4 है, और C2 कितना है, -12 है। इसे कैंसिल करोगे तो 1/3 आ जाएंगे डियर स्टूडेंट। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 पर नॉट इक्वल है C1/C2। यानी दो अनुपात आपस में बराबर है परंतु तीसरा अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे रेखा युग्मों का जो ग्राफ होगा वो समांतर रेखा होगी और जो इसका हल होगा उसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात ऐसे समीकरण को हम लोग हल नहीं निकाल सकते, ऐसे समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों अब आप कहोगे समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जो कभी एक दूसरे से मिलती ना हो वो क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों ये आपको चार्ट समझ में आया होगा, तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, एक बार पढ़ दिए जाते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों में लड़के भी आते हैं लड़कियां भी आती हैं, तो 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के प्रतियोगिता में क्या लिए, भाग लिए। तो विद्यार्थी में लड़कियों भी, लड़के भी आते हैं लड़कियां भी आती हैं, तो माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या यक्स है। क्या आप मान लेते हैं प्यारे बच्चों, लड़कों की संख्या यक्स है और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या वाई है। क्या है, वाई है डियर स्टूडेंट। अब प्रथम शर्त लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रथम शर्त यानी आपका प्रश्न का पहला शर्त क्या कह रहा है कि कितने लोग भाग लिए हैं प्यारे बच्चों, 10 विद्यार्थी। तो 10 विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलके कितने लोग हो गए, 10। समीकरण नंबर क्या आ गया, एक आ गया। दूसरा कह रहे हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक हो, 4 अधिक हो, तो दूसरा शर्त कह रहे हैं
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या हो, चार अधिक हो, तो प्यारे बच्चों ये हो गई लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या। बोल रहे हैं कि लड़कों और लड़कियों की संख्या तब बराबर होगी जब लड़कियां क्या होंगी, चार अधिक होंगी। तो हम दोनों की संख्या बराबर करने के लिए लड़कियां जो चार अधिक होंगी वो लड़कियों में से चार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्यारे बच्चों यहीं पर आप लोगों को समस्या आती है कि क्यों बताया जा रहा है कि लड़कियां लड़कों से चार अधिक है, तो लड़कियों में से चार माइनस क्यों किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट इसलिए माइनस किया जा रहा है क्योंकि लड़कों और लड़कियों की संख्या उनको बराबर करना है, और आपका प्रश्न कह रहा है लड़कियां चार अधिक हैं, तो लड़कियां जब चार अधिक हैं तो चार हम इनमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों? अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि चार अगर हम इसमें जोड़ देते तब भी तो जाता। तो डियर स्टूडेंट पूरे लड़के और लड़कियां कितना है, दस है, तो दस ही तो होना चाहिए, आप यहां चार जोड़ नहीं सकते। डियर स्टूडेंट एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि बोला लड़के और लड़कियां मिलकर, लड़के और लड़कियां मिलकर कितने लोग हो गए, दस लोग हो गए। प्यारे बच्चों तो लड़कों की संख्या एक्स, लड़कियों की संख्या वाई, तो दोनों मिलकर दस हो गए। दूसरी बार कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या हो, चार अधिक हो, तो लड़कियां वाई लड़के एक्स दोनों तब बराबर होंगे। जो लड़कियां चार अधिक थी वही हमने चार इसमें क्या कर दिए, माइनस कर दिए। प्यारे बच्चों ये क्या हो गए, समीकरण नंबर क्या हो गया, दो हो गए। अब इसको क्या कहे हैं कि ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम इनको इधर तरफ लाए तो इनको इधर की तरफ लाए तो x हो गए, y इधर आता है तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये आपके चार उधर ही रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस चार। समीकरण नंबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, दो आ गए। तो पता करते हैं कि इस दिए गए समीकरण का, इस समीकरण का और इस समीकरण का ग्राफ किस प्रकार होता है। तो आइए समीकरण एक से देखते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। अब यहाँ ए वन का मान कितना मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ एक है तो ए वन का मान एक हो जाएगा, y में भी किसी का गुणांक नहीं है तो बी वन बराबर भी एक हो जाएगा, और सी वन बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट समीकरण दो से हम ए टू बी टू का मान निकालेंगे, तो समीकरण दो कौन है, ये है, ए टू बराबर भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, बी टू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, सी टू बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस चार हो जाएगा। अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो ये लाइन आप यहां से मिटाकर आप यहां लिख सकते हो कि समीकरण दो से, समीकरण दो से ए टू, ए टू बराबर कितना है डियर स्टूडेंट, एक है, बी टू बराबर कितना है, माइनस एक है, सी टू बराबर कितना है, माइनस चार है। अनुपातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, क्या करते हैं, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, तो अनुपात क्या है भैया, ए वन अपान ए टू, ए वन अपान ए टू कितना है, एक बटे एक है डियर स्टूडेंट। बी वन अपान बी टू, तो बी वन कितना है, बी वन एक है, और बी टू कितना है, माइनस एक है, क्या है, माइनस एक है। तो C1 कितना है, C1 अपान C2, तो C1 है आपके 10 हैं और यहाँ माइनस चार है, पाँच दूनी 10, दो दूनी चार, तो पाँच बटे क्या होंगे, माइनस दो। तो यहाँ देखिए अनुपातों की तुलना किए तो A1 अपान A2 नॉट इक्वल क्या है, B1 अपान B2। देखिए यहाँ एक आया है, यहाँ माइनस एक आया है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए जब दोनों आपस में बराबर नहीं होते तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा प्राप्त होता है, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होता है। अतः लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट, अतः दिए गए समीकरण का जो ग्राफ होगा, जो ग्राफी हल होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आइए अगर आप लोग इसका ग्राफ देखना चाहते हो तो हम लोग ग्राफ भी बना लेते हैं। तो ये आपको जो चार्ट है वो मिटा दिए जाते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ग्राफ बनाने के लिए आपको जो है एक्स और वाई में संबंध निकालने रहते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा समीकरण एक से, क्या प्यारे बच्चों, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है आपका, समीकरण एक है
एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, वाई उधर चले गए 10 माइनस कितना हो गया वाई। अब एक्स वाई में हम लोग मान निकाल लेंगे, ये हो गए दो ठो कालम एक्स और वाई। अगर वाई के स्थान पे 5 रखते हो तो 10 में से 5 घटा दोगे कितना आ जाएगा 5। अगर वाई के स्थान पे 0 रखते हो तो 10 में से 0 घटाओगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से, कहाँ से डियर स्टूडेंट, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है माइनस 4 है, कितना है माइनस 4। ये माइनस वाई उधर जाएंगे तो माइनस वाई जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, तो वाई माइनस कितना हो गया 4। तो इसी प्रकार यहाँ भी हम लोग एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो बताओ अगर वाई के स्थान पे 6 रख दे तो 6 में से 4 घटाओगे 2 आ जाएगा। वाई का मान 10 रख दोगे तो 10 में से 4 घटाओगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप स्वतंत्र हो प्यारे बच्चों, चाहे वाई का मान चाहे जो भी रख सकते हो। तो आइए हम लोग इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ये एक लाइन खींच लेते हैं जो वाई अच्छ हो जाएगी, और ये कोई लाइन खींच लेते हैं जो क्या हो जाएगी एक्स अच्छ हो जाएगी। ये वाई अच्छ, ये दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगी वहां 0 0। तो आप देखिए एक्स पे अधिकतम मान आपको 10 तक चाहिए, तो आप 10 तक मानेंगे, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक। इसी प्रकार वाई में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला एक्स पे कितना है 5 है, वाई पे कितना है 5 है। तो आप देखिए एक्स पे आपको 5 चल रहा है और वाई पर भी कितने चलने हैं 5। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, एक्स पे 5 कहाँ है, एक्स पे 5 यहाँ पर है, और वाई पे 5 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आप इनको मिला देंगे तो एक्स पे 5 वाई पे 5, ये वाली लाइन है, ठीक। तो ये वाली जो पॉइंट हो गई, ये क्या हो गए 5 और क्या हो गए 5। डियर स्टूडेंट अगला देखिए, एक्स पे कितना है 10 है, वाई पे कितना है 0। तो एक्स पे 10 आपको कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। तो ये वाली पॉइंट हो गई 10 और क्या 0। तो आप चाहो तो इनको मिला सकते हो डियर स्टूडेंट, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो आप लोग स्केल से मिलाएंगे तो आप लोगों का एकदम सही मिलेगा। तो इस लाइन को आप लोगों ने क्या कर दिए, मिला दिए, ठीक। अब आप देखिए दूसरी लाइन खींचेंगे, दूसरा क्या है एक्स पे 2 है, वाई पे कितना है 6 है। इस रेखा का नाम रखना चाहते हो तो रख दो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 10 है। डियर स्टूडेंट एक्स पे कितना है 2 है, एक्स पे 2, वाई पे कितना 6। तो एक्स पे 2 वाई पे 6 यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक्स पे 2 हो गए, वाई पे कितना हो गया 6, तो ये वाले हो गए। तो ये वाली पॉइंट हो गई 2 और 6, ठीक। एक्स पे 6 वाई पे 10, तो एक्स पे 6 यहाँ पर है और वाई पे 10 आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो आप लोग टेबल को, इस लाइन को जरा सा और बढ़ा लेंगे, क्योंकि y पे आपको 10 की ज़रूरत है, तो ये y पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान से समझिएगा, ये वाली लाइन 10 कहलाएगी। कितना है x पे 6 y पे 10, तो x पे 6 ये लाइन है, तो आप इसको चाहो तो इसको मिला सकते हो। तो x पे 6 और y पे क्या हो जाएगा 10, तो ये वाली पॉइंट क्या कहलाएगी 6 और 10। तो आप इन दोनों को मिला देंगे, तो ये देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। तो जहाँ पर ये काटी है वहीं पर क्या हो जाएगा, दिए गए समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो ये काटी कहाँ है लगभग, तो आप देखिए ये 7 और 3 पे काटी हैं, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ जो ये काटे हैं यहाँ 7 और कितना है 3 है। तो सबसे पहले x लिखा जाता है, तो 3 और क्या हो गया 7। तो 3 क्या है लड़कों की संख्या और 7 क्या है लड़कियों की संख्या है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार दिए गए समीकरण का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। डियर स्टूडेंट दूसरे क्लास दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, वो भी एकदम ईजी है। 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो लास्ट में देखिए कह रहा है एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य। तो जो लास्ट में पूछे डियर स्टूडेंट वही मान लिया करो। माना
माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है? एक्स रुपए है। माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है? यक्स रुपए है। और एक कलम का मूल्य कितना है? वाई रुपए है। कितने हैं? वाई रुपए हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रथम शर्त क्या कह रहा है सवाल में? प्रथम शर्त आपसे कह रहा है कि पांच पेंसिल, तो बताओ प्यारे स्टूडेंट, एक पेंसिल एक्स रुपए में है तो पांच पेंसिल कितने में मिल जाएगी? पांच एक्स में। एक पेंसिल एक एक्स रुपए, दो पेंसिल दो एक्स, तीन पेंसिल तीन एक्स, चार पेंसिल चार एक्स, तो पांच पेंसिल कितने हो जाएंगे? पांच एक्स हो जाएंगे। सात कलम लिए हैं तो एक कलम वाई है, तो सात कलम कितना हो जाएगा? सात वाई। बराबर कितने रुपए खर्च किए हैं? पचास रुपए। समीकरण नंबर क्या बना लिए? एक बना लिए। दूसरा शर्त क्या कह रहे हैं? जब दूसरी बार वो बाजार गए तो इस बार सात पेंसिल खरीद के लाए, तो एक पेंसिल एक्स रुपए में थी तो सात पेंसिल सात एक्स में, और पांच कलम खरीद के लाए तो एक कलम वाई में, तो पांच कलम पांच वाई। बराबर कितने रुपए दिए? छियालीस रुपए। समीकरण नंबर क्या हो गया? दो हो गया। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है समझने का कोशिश कीजिए कि पांच पेंसिल सात कलम का मूल्य पचास रुपए है, तो एक पेंसिल एक्स रुपए में तो पांच पेंसिल पांच एक्स, एक पेंसिल वाई एक कलम वाई रुपए में तो सात कलम सात वाई रुपए। इस प्रकार आपके समीकरण बन जाते हैं। अब कह रहा है इस समीकरण को आप लोग ग्राफी विधि से क्या कीजिए? हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, समीकरण हमको आप लोगों को पता होगा कि किसी भी ग्राफ समीकरण को ग्राफ विधि से हल करने के लिए एक्स और वाई में संबंध निकालने पड़ते हैं। तो चलिए एक्स और वाई में संबंध निकालते हैं। तो समीकरण एक से, कौन से समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है? 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है? 15 है। 7y का पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7y इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में। 50 माइनस कितना हो जाएगा? 7y। अब x होगा तो इधर 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? डिवाइड में। तो क्या आ गए? 50 आ गए। अब हम क्या करते हैं? एक्स वाई में संबंध निकालते हैं, मान निकालते हैं। ये एक्स हो गए, ये क्या हो गए? वाई हो गए। प्यारे बच्चों, एक बार यहाँ 50 नहीं 5 होना चाहिए। अब वाई के स्थान पे आप चाहे जो भी रख सकते हो, अगर वाई के स्थान पे 5 रखते हो तो 7 पचे 35, 50 में से 35 घटा दोगे 15 आ जाएगा, और 15 में 5 का भाग दो दोगे तो 3 आ जाएगा। अगर y के स्थान पे 0 रखा जाए तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। 7 × 0 = 0, 50/5 बचेगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग क्या करोगे? समीकरण दो क्या है? 7x प्लस 5y बराबर कितना है? 46 है। कितना है? 46 है। 5y का पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे। 46 माइनस कितना? 5y। x बराबर 46 माइनस 5y, ये 7 मल्टीप्लाई में थे तो इधर आ गए डिवाइड में। अब हम क्या निकालेंगे? एक्स वाई में संबंध निकालेंगे। ये एक्स हो गए, ये क्या हो गए? वाई हो गए। एक मिनट के लिए आप सोचिए जरा सा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, वाई के स्थान पे क्या रख दें, ऐसा कुछ मान रखें कि जिससे हमको पूर्ण अंक मिले। तो अगर हम कहें वाई के स्थान पे क्या रख दें? 5 रख दें। डियर स्टूडेंट, तो 5 × 25 और 46 में से 25 घटा दोगे तो 21 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 21। और 21/7 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3 आ जाएगा। अब एक बार हम लोग फिर से सोचते हैं कि y के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखें कि जिससे ये पूर्ण रूप से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो आप एक मिनट के लिए उम्मीद कीजिए कि अगर हम यहाँ y के स्थान पर 10 रखते तो 50 हो जाता, और 50 में से 46 घटाते तो 4 आ जाते, जो कि पुनः आपको पूर्ण अंक नहीं मिल रहा है।
तब अब आप क्या करोगे, सोचिए 15 रखा जाए तो 15 25 75 75 में से 46 घटाओगे तो घटा के देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये 75 हो गए, ये 46, 15 में से 6 घटाए 9 आ गए, और यहाँ 6 में से 4 घटा दोगे कितना जाएगा 2, जो कि नहीं आ रहा। तो आप कोई भी एक अंक रख लो, कोई दिक्कत नहीं, वाई के स्थान पे क्या रख दोगे 0, तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 46/7 बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे प्यारे बच्चों, 46/ कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। चले तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आइए ग्राफ पे बनाते हैं। तब आप कहोगे सर 46/7 कहाँ हेरने जाएंगे, तो इसका भी समाधान है 46/7 भाग दे दीजिए, 7 5 35, 7 6 42, घटा दिए कितना आया 4 आया। अब दशमलव लगाए 0 उतारे, 7 5 35 ये आ गए 5, 0 7 7 49 1 आ गए, यानी लगभग 6 और 7 के बीच यानी 6.5 के करीब आ रहे हैं। तो हम लोग इतना एग्जैक्ट न लेते हुए लगभग मान सकते हैं। तो आइए एक्स और वाई के लिए ग्राफ खींचते हैं दिए गए समीकरण का। तो डियर स्टूडेंट ये हो गई वाई अक्ष, क्या हो गया ये वाई, और एक क्षैतिज लाइन खींच देते हैं, ये क्या हो गए एक्स अक्ष हो गए, ये क्या हो गए मूल बिंदु 0 0। तो आप देखिए यक्ष पे आपको अधिकतम कहाँ तक चाहिए, 10 तक चाहिए, तो ये 1 हो गए, ये क्या हो गए 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 हो गए। आगे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम लोग, ये कितना हो गए 9, ये कितने हो गए 10। सॉरी गाइस, अगला देखिए y पे आपको लगभग लगभग कहाँ तक चाहिए, 5 तक चाहिए, तो ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो सबसे पहला देखिए x पे कितना है 3 है, y पे कितना है 5 है डियर स्टूडेंट। तो x पे आपको 3 हेरना है, तो x पे 3 यहाँ पर है, y पे 5 यहाँ पर है, तो ये वाली लाइन आपकी क्या कहलाएगी, x पे 3 y पे क्या हो जाएगा 5। तो इस पॉइंट को हम क्या दिखा सकते हैं, 3 और क्या 5 दिखा सकते हैं डियर स्टूडेंट। अगला x पे 10 y पे कितना है 0, तो x पे 10 यहाँ पर है, तो ये क्या हो गए 10 और क्या हो गए 0 हो गए। तो आप इनको मिला दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दिए, एक रेखा मिल गई। उस रेखा का अगर आप नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हो, क्या नाम दोगे, 5x + 7y = 50। इससे ठीक अगला ध्यान दीजिए, x पे कितना है 3 है, y पे कितना है 5, तो x पे 3, तो देखिए y पे 5, तो दोबारा ये वाली लाइन इसी पे मिल रही है, तो जहाँ ये एक ये हो गए x पे 3, y पे क्या हो गए 5, तो एक बार 3 और 5 दोबारा लिख दिए आप लोग, ठीक दिए स्टूडेंट। x पे तो आपने इसको हल किया है 46/7 को लगभग 6.5, यानी 6 और 7 का आधा, यही 6 कितना होगा 5 होगा। तो ये x पे 6.5, y पे कितना 0, तो यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6.5, 0। ध्यान से समझिएगा, तो अगली पॉइंट यहाँ पर है, तो आप इनको मिला देंगे, तो ये रेखा एक दूसरे को इस प्रकार क्या कर देंगी, काट देंगी, तो ये दिए गए समीकरण का क्या होगा, ग्राफ होगा। इसका नाम लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 7x + 5y = 46। इस प्रकार दिए गए समीकरण का हल होगा। अगर आपको पेंसिल और कलम की मूल्य निकालना है तो पेंसिल क्या माने हो, यक्ष माने हो, तो देखिए पेंसिल की कीमत कितना है 3 रुपये, और जो कलम है वो वाई माने हो तो कलम की कीमत कितना है 2 रुपये। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ये 5 क्या हो जाएगा, कलम का मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा कलम का मूल्य हो जाएगा, और जो 3 है वो पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, किसका मूल्य हो जाएगा पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट दिए गए समीकरण का ग्राफ ये था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू। डियर स्टूडेंट आपका जो दूसरा सवाल है, अब वो दूसरे सवाल वही सब प्रश्न है जो आपने चार्ट अभी पढ़ा था,
करा है अनुपातों A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा क्या है संपाती है। तो पहला सवाल है क्या है 5x-4y कितना है 5x-4y + 8 = 0। दूसरा क्या है 7x + 6y - 9 = 0। ये आपके पहले सवाल हैं। इसी में हम लोग दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है 9x + 12 = 0। अगला क्या है 18x + 6y + 24 = 0 है। ये ग्राफ अब हम लोग मूव कर लेते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, समीकरण नंबर 2। तो दिए गए समीकरण को अब हम लोग A1 और A2 और B2 C2 का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से तो हमने A1 का मान A2 का मान निकालना सिखाया है। A1 कौन होता है, x का गुणांक होता है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर -4 हो जाएंगे। और ध्यान से समझिएगा सॉरी बच्चों, यहाँ A2 ना होके यहाँ क्या होगा B1 होगा, B1 बराबर -4 हो जाएगा और C1 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है A1 होता है, ये आपका क्या होता है A1 होता है, ये आपका B1 होता है, ये आपका C1 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये A2, ये B2, ये क्या हो जाएगा C2। तो समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से A2 बराबर कितना है 7 है, B2 बराबर कितना है 6 है और C2 बराबर कितना है -9 है। अब क्या करते हैं अनुपातों की तुलना करने पर तो A1 है, तो A1 upon A2, A1 कितना है 5 है और A2 कितना है 7 है। B1 upon B2, B1 कितना है -4 है, -6, 2 × 4 = 3 × 6, तो -2/3। C1 upon C2, C1 कितना है 8, C2 कितना है 9 है। तो आप देखिए अनुपातों की तुलना करने पर A1 upon A2 5/7 आया है, B1 upon B2 -2/3 आए हैं, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तथा लिखेंगे चूँकि A1 upon A2 ≠ B1 upon B2, अतः दी गई रेखाओं का ग्राफी हल। अब आप ध्यान से देखिएगा चार्ट पे, याद कीजिए कि हमने बताया होगा कि जब A1 upon A2 ≠ B1 upon B2 होता है तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो हम यहाँ क्या बता सकते हैं, ग्राफी हल क्या होगा, या लिख सकते हैं अतः दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार ये आपका दूसरे का पहला सवाल समाप्त हो जाता है। और ऐसे आपको बोर्ड के पेपर में लगाने पड़ेंगे, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में लगा के चले आओ और गलत लगा के चले आओ प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक से क्या मिलेगा, A1 = 9, फिर B1 = 3, फिर C1 = 12 हो जाएगा, A2 = 18, B2 = 6, C2 = 24। तो डियर स्टूडेंट, एक बार आपको आसानी के लिए ये बता देते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक बच्चों,
अब आइए अनुपातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना। तो अनुपातों की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तो अनुपातों की तुलना करेंगे तो a1 upon a2, a1 कितना है 9 है, a2 18 है, 9 × 9 = 18, 1/2 आ गए। b1 upon b2, तो b1 कितना है 3 है, b2 कितना है 6, 3 × 3 = 6, c1 कितना है और c2, तो c1 कितना है 12 है, c2 24, 12 × 12 = 24, तो 1/2 कितना आ गया 2 आ गए। तो डियर स्टूडेंट अब क्या पता चल रहा है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपस में क्या है, बराबर हैं। तो a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2, अतः दी गई रेखाएं, आप ध्यान से देखिए, जब तीनों के अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो कौन सी रेखाएं होती हैं प्यारे बच्चों? तो आप चार्ट में देख लीजिएगा, तो हमने बता के रखा है कि जब तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, संपाती होता है। अतः दी गई रेखाएँ क्या होंगी, संपाती रेखाएँ होंगी। कितनी होगी रेखाएँ होंगी। तो इस प्रकार आपका दूसरा और पहला सवाल समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है वो आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अगर आपको कहीं समस्याएं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके सवालों को समाधान कर देंगे। आप इसका नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू सवाल कर, तीसरा नंबर सवाल हम लोग हल करते हैं इस क्रम का। तो इस क्रम का जो तीसरा नंबर सवाल है, A1, A2, B1, B2, C1 और C2 का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो प्यारे बच्चों, संगत कौन होगा, असंगत कौन होगा, वो क्लियर हो जाने चाहिए। तो आइए हम लोग बताते हैं, जरा सा ध्यान से समझिएगा। तीसरे का पहला नंबर कह रहा है 3x + 2y = 5 है। अगला क्या है, 2x - 3y = 7 है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये क्या होता है, ये देखिएगा। अब यहाँ से आप देखिए तो a1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b1 का मान कितना आ जाएगा, 2। a1 का मान 3 है। c1 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से देखिए, a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। प्यारे बच्चों अनुपातों की तुलना करने पर तो अनुपातों की तुलना करते हैं तो क्या आएगा, a1 upon a2, a1 कितना है 3 है, A2 कौन है भैया 2 है, देखिए 3/2 आ जाएंगे। b1 upon b2, b1 कितना है 2 है, b2 कितना है -3 है। c1 upon c2, c1 कितना है 5 है, c2 कितना है 7 है। तो आप देखिए क्या तीनों आपस में बराबर हैं प्यारे बच्चों, नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि a1 upon a2 ≠ b1 upon b2 ≠ c1 upon c2। जब आप जानते हो, अब आपको पता है कि जब a1 upon a2 और b1 upon b2 बराबर नहीं होते तो जो दी गई रेखाएं होती हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के संगत होते हैं। तो लिख देंगे दी गई रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। क्या है, संगत है। क्या है प्यारे बच्चों, संगत है। तो इस प्रकार आपका तीसरे का पहला नंबर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, इधर ही देख लेते हैं दूसरा नंबर क्या कर रहा है, 2x - 3y = 8 है। फिर क्या है, 4x - 6y = 9 है। तो यहाँ से देखिए a1 का मान कितना आ जाएगा 2, b1 का मान आ जाएगा -3, c1 का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
सी वन का मान कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार यहां से ए टू का मान 2, बी टू का मान -6 और सी टू का मान 9। तो प्यारे बच्चों अनुपातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना। तो अनुपातों की तुलना करने पर तो क्या आएगा, ए वन अपान ए टू, ए वन कितना है 2 है, बी वन कित ए वन है 2 और ए टू कितना है 2 है, तो 2/2 से कैंसिल कर दिए 1 आ गए। बी वन कितना है, सॉरी देखिए भैया प्यारे बच्चों यहाँ ए टू का मान 2 नहीं है, ए टू का मान क्या है 4 है। तो आप यहाँ जब 4 रखोगे कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। बी वन अपान बी टू, बी वन कितना है -3 है, बी टू कितना है -6 है, माइनस माइनस से कैंसिल 1/2 आ गए। सी वन अपान सी टू, तो सी वन अपान सी टू कितना आ जाएगा 8/ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ए वन ए टू क्या है, ए वन ए टू बराबर क्या है बी वन बी टू, नॉट इक्वल क्या है सी वन अपान सी टू। अतः जो दी गई रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, असंगत होंगी। क्या होंगी? असंगत होगी। अतः रेखाएं एक दूसरे के क्या है, असंगत है। क्या है? असंगत है। प्यारे बच्चों जरा सा एक बात समझिएगा, क्या होता है इस बात को एक समझ लीजिए कि केवल एक स्थिति होती है जब रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं, जिनके लिए कोई हल नहीं होता। यानी समांतर रेखाएं जब होंगी, जब ग्राफ समांतर रेखा प्राप्त होगा तब असंगत होगा, बाकी और दोनों स्थितियों के लिए क्या होता है, संगत होता है। तो दोनों स्थितियों के लिए क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, और एक स्थिति के लिए क्या होता है, असंगत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार जो तीसरे में आपके आगे क्रम के जो सवाल दिए गए हैं वो आपके लिए छोड़ दिए जा रहे हैं, अगर आप लगा लीजिएगा। अगर कहीं समस्याएं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आज की क्लास में हम लोग बस यहीं तक चल रहते हैं, बाकी और के जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पे अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।